नमस्कार मित्रों, ये एक कास्ट की कृति जो बनाई गई है, ये हस्तनिर्मित कला है। इसमें ये ग्लोब घूमता है, साथ इसके पर भी हिलते हैं। ये जो कलाकृति बनाई गई है, ये जिस शख्स के द्वारा बनाई गई है, उन शख्स से आज हम मिलेंगे। ये पास में बैठे हैं वो वाले शख्स आई है, हम मंदिर में बैठे हैं, हमने ये कलाकृति देखी है। नमस्कार मित्रों, थोड़ी देर पहले आपको ये जो कलाकृति बताई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई है, उनके पास लेके आ चुके हैं हम आपको। आप मिलवाएंगे हम आपसे ऐसी प्रतिभा के धनी से, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद इस शौक को सीखा है, आजीवन कभी भी लकड़ी का काम नहीं किया और आज ऐसी ऐसी कलाकृतियां बना रहे हैं जो आपको अचंभित करेगी। हम इनकी और बनाई हुई कलाकृतियां बताएंगे, जिसको देखकर आपका मन खरीदने का होगा। नीचे जो स्क्रीन चल रही है, उस पर कॉन्टेक्ट नंबर आ रहे हैं, अगर आपको खरीदनी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। और आइए मिलते हैं। नाम पूछेंगे आपसे, आपका धन्यवाद आपका। आपको ये कास्ट की कलाएं बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा से दिमाग में आगे कहीं देखने के लिए गए थे बिस्तरों में, वहाँ पे कोई बड़ी चीजें की थी और वो चीजें की मैंने दिमाग में खेलने लगा था उस दीवार से, वो देखा तो मैंने हाथी बनाए, तोता बनाया, ये बाद बनाया, कहीं पर आप ऐसे आके बना दो तो लकड़ी के है टोटल, लकड़ी इसके लकड़ी जोड़ बीच के बनाता हूँ, जोड़ जोड़ के बनाता हूँ। देख लीजिए हमारे दर्शक इसको देख सकते हैं कैसे बनाई गई है, मशीनरी के युग में आज जहाँ पे मशीनों ने ये ले लिया है, वहाँ पर हाथ की कारीगरी आप कर रहे हैं, कितना समय लगता है आपको एक आइटम या एक मॉडल तैयार करने? एक मॉडल तैयार करने 5 से 6 दिन लगते हैं। सबको देख लीजिए, 5 से 6 दिन पूर्ण रूप से हाथ और स्क्रैप लकड़ी है, चलिए पूरी सिंपल लकड़ी लेके उसको काट के बनाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़ कर बनाई जाती है। मैं बता देते हैं लकड़ी, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है इन मॉडल को बनाने में, इनको चिपका चिपका के फेविकोल वगैरह से, है ना, और फिर इनको जोड़कर इस तरीके का कुछ रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है। ये देखिए इसमें बहुत सारी लकड़ी जुड़ी हुई है लेकिन आपको दिखेगी नहीं, और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, जैसा कि बता रहे हैं मैंने हाथी बनाया, घोड़ा, तो अभी तक कितने मॉडल की डिमांड सही है आपके पास, कैसा हमें बनाकर दो? तो दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसे कास्ट समझ में आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ये अमूल्य धरोहर है, इनकी हाथ की कला है। अच्छा, ऐसा ही है, इसका छोटा रूप बनेगा, अगर आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन के नीचे नंबर आ रहे हैं उन पर संपर्क कीजिए। ओम प्रकाश जी मेघवाल जो बीकानेर में निवास करते हैं, रामपुरा बस्ती गली नंबर 5 में, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और भी ऐसे आइटम है, हम अभी आपको दिखाते हैं आगे। ये देखिए रिश्तेदारों के घर इन्होंने ऐसा हिरन देखा था और इस हिरण को देखिए पूरा लकड़ी से बनाया है, यहाँ से प्रेरणा मिली थी, इस प्रेरणा का पहला रूप ये बना। उसके बाद में देखिए ये जो कास्ट की एक बैलगाड़ी बनी हुई है, इस पर सेठ जी भी बैठे हैं, ये पूरे सेठ जी लकड़ी के बने हुए हैं कलाकृति से। हमारे यहाँ पर मोहल्ले में कुंट काटा चलाते हैं जग जी, उनकी प्रतिरूप रखा गया ये कॉम्पिटी, इस पर इन्होंने मीनाकारी भी करने की कोशिश की गई है। कितना समय लगा इस मीनाकारी? 3 दिन खाली मीनाकारी में, 6 दिन वो 9 दिन 10 दिन, तो लमसम में इन आइटम्स की कॉस्ट क्या रखना चाहेंगे? अगर ये मैं बैलगाड़ी लेना चाहूँ तो कितने रुपए में देने?
10,000 रुपए की डिमांड की है, शिपिंग चार्ज अलग से रहेंगे, हमारे पास सेफ रहे, काफी यूनिक आइटम आप रखोगे, 10 दिन की मेहनत है, 1,000 रुपए पर गाड़ी के हिसाब से आप देख लें, ठीक है। और ये कछुआ देखिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार सारे बड़े बड़े जो जितने भी छोटे लोग हैं वो अपने टेबल्स पर इसको रखते हैं, डाइनिंग टेबल पर आप ये कछुआ रख सकते हैं। ये फेंग शुई का आइटम है, अच्छा रहता है। ये बाज हमारी जो करणी माता जी है उनका सिंबल है, वैसा ही सिंबल बनाने की कोशिश की गई है। कभी बीकानेर आओ तो करणी माता के जाओगे तो ऐसा सिंबल आपको वहाँ का एक पनोरमा है वहाँ पर देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। और इसको अगर आप घर ले जाना चाहते हैं तो इसका आइटम की रेट मैं नहीं बताऊंगा, आप सफर करना पड़ेगा फोन पर जो इसकी बुक करा रहे हैं, तो सफर कीजिए और इसको अपने घर पर करणी माता का आशीर्वाद दें। और कुछ दर्शकों से हमारे कहना चाहते हैं आप तो कह सकते हैं, यही कहना है कि जिसको भी आवश्यकता हो वो अपना फोन कॉन्टेक्ट करें और सिंपल भेजे कि मुझे ये चाहिए, उसके अनुसार मैं उनको पेमेंट बता दूंगा, कोड बता दूंगा, तो पसंद है कर ले, नहीं पसंद है तो करें। और बात बता दूं, जिंदगी में कभी भी लकड़ी का काम नहीं किया है, इनका काम पेंटिंग्स का था। 65 साल की उम्र के बाद में ये मैंने अनुभव दिया है, जिंदगी में मजे की बात है। सा उम्र रेलवे से रिटायर्ड हैं आप और 65 साल की उम्र होगी, 5 साल रिटायरमेंट हो गए, खाली जीवन इनको कटोच रहा था, फ्री नहीं रहने वाले, इन्होंने अपना समय बड़ा ही सदुपयोग किया, काफी अच्छे आर्ट है, ये आर्ट जिंदगी जिंदा रहेगी आपके घरों में, संपर्क कीजिए। थैंक यू, ऐसे मिलते रहेंगे अनेक प्रतिभाओं से, धन्यवाद।